इनके माता पिता कह रहे विवाह कर लो, अभी तक कह रहे। तो वो तो इच्छा है, अगर इच्छा नहीं है तो उसका क्या किया जाए। जोर करके शादी देने से फिर जाके अशांति हो जाएगी, फिर दो दिन बाद छोड़ छाड़ के आ जाएगी, फिर और दुख। ये तो इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। भजन करती है, खूब भजन करती है। भजन करना तो अच्छा है, भजन करे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा भी इच्छा है तो पहले तो संसार में रह करके फिर उसका वास्तव अभिज्ञता ले करके फिर जाके भजन करने से परिपक्वता आती है। पहले स्थिति में संसार में प्रवेश किया नहीं, संसार संबंध में कुछ ज्ञान नहीं है, तो कभी कभी वो भूल हो जाता है, कभी कभी देखा जाता है जो पीछे पड़ जाता है, उसके मन में नाना प्रकार इच्छा आकर के उसको घेर लेता है, भजन में आगे बढ़ने नहीं देता है, झमेला बहुत है। तो संसारी होकर के फिर वैराग्य में आना उत्तम है, अच्छा है। और बचपन से ही तीव्र वैराग्य है, तीव्रता है, पूर्व जन्म के संस्कार वश, ये तो लाखों में एक कोई कोई ऐसे निकल जाता है, लेकिन कठिन है, उतना सहज नहीं है। सोचना जितना सहज, वास्तव में ऐसा नहीं है, है नहीं भैया जी? कश्चित तो हृदय है, कश्चित कोई कोई बस, कोई कोई कश्चित। तो इसलिए संसार में रह करके पहले तो संसार में रह करके ही भजन करना चाहिए, संसार त्यागना नहीं चाहिए। तबत कर्माणि कुर्वित निर्विद्युत जावता मत कथा सर्वनादो व श्रद्धा जावत न जायते, श्रीमद् भागवत कहते हैं। तबत कर्माणि कुर्वित, तब तक संसार में रहकर कर्म करना चाहिए, अनाशक्त होकर, ऐसे नहीं भोग वृत्ति नहीं, कर्म में रहना चाहिए, कर्म त्यागना नहीं चाहिए। तबत कर्माणि कुर्वित निर्विद्युत जावता, जब तक निर्वेद अवस्था माने वैराग्य अनाशक्ति, संसार के हर भोग्य देह देह वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र वैराग्य नहीं आता है, तब तक जाकर के संसार में रह करके भजन करना चाहिए। इनको अब मत कथा सर्वनाद होगा, पहले से कोई साधु संघ नहीं मिला है, वैसे अपना बचपन से भजन करती है, ये होता है पूर्व जन्म संस्कार वश, कभी कभी किसी का ऐसा हो जाता है, जन्म से ही दिखा जाता है अनाशक्त, तो ये तो अच्छा संस्कार लेके आता है तब जाके होता है, ये सबके लिए संभव नहीं होता है। जो हम संसार में नहीं प्रवेश नहीं करें, हम ऐसे ही भजन करके निकाल देंगे, वो तो सहज नहीं है। कभी कभी देखा जाता है संसार छोड़ के फिर जाके संसार बसाने का प्रवृत्ति आ जाती है, बहुत विपदगामी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे दिखने में आता है। लेकिन कोई कोई ऐसे पूर्व संस्कार वश कोई कोई ऐसा दिखने में आता है, तीव्र वैराग्य अनाशक्ति, जन्म से ही बचपन में ही दिखने में आता है। मतलब सबके लिए एक जैसी प्रिस्क्रिप्शन, सबके लिए एक सा नहीं है, तो देखना पड़ेगा। तत्व दृष्टा जो है फिर ऐसे ही तुमको उपदेश करेंगे, तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नो सेवया उपदीक्षन्ति ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शिना, ऐसा नहीं, ज्ञानी कैसे तत्व दृष्टा, तत्व संबंध में जिनके अनुभव है, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में जाने से तब जाके वो सही मार्ग बता सकते हैं। हम जैसे साधक को बताने से कल्याण होगा, ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य में जाने से फिर जाके वो उपदेश कर सकते हैं। संसार में रहते हुए तो और ज्यादा माया का, माया बाहर भी कम नहीं है, माया कहाँ नहीं है, माया कहाँ नहीं है, माया हर जगह व्याप्त है। जंगल में जाने से ही कुछ नहीं होता है, जंगल में जाने से जोगी नहीं होता है, संसार में रहने से भोगी नहीं होता है। जिसके मन में भोगेच्छा है वो भोगी है, जिनके भगवत चरण में मन है वो जोगी है। अब संसार में रहो चाहे जंगल में रहो, ये बात है। संसार में रहना अच्छा है, श्रीमद् भागवत कहते हैं संसार में रहकर भजन करना है, किला में रहकर, किला है ना फोर्ट, किला में रहकर भजन करना है। किला में रहकर जैसे लड़ाई
आ गया, कोई दुश्मन आ गया आक्रमण किया है तो किले के अंदर रह करके वो खाना भी मिलता है, लड़ाई भी करते ऊपर में रह करके, फिर जब शत्रु पक्ष जब दुर्बल हो जाता है तब निकल पड़ो। तो संसार भी ऐसे किला जैसे है, और बाहर जंगल क्या है, वहां तो कोई रक्षा करने वाला है नहीं, वहां हरेक प्रकार बाधा विपत्ति, इससे मुक्त कहाँ, जितना साहस देखने में आता है उतना साहस है नहीं। दई बीज जैसा गुणमय मम माया दुरत्ता, मेरी माया पाल लगाना उतना साहस नहीं है। ममी बाजे प्रबद्धंत माया में तंग तरन, जो मेरे शरण में आता है मेरी कृपा से वो माया पाल लगा देता है, अपने निजी चेष्टा के द्वारा कदापि संभव नहीं।